इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार जशपुर रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। आओ बाबा विराजो बाबा गुरुदेव की सूरत हो, हो, हो गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती गुरुदेव की सूरत आओ बाबा पधारो इस मंगलाचरण के साथ मैं आज की धर्म सभा को शुरू गुरु आज्ञा से शुरू करते हुए अष्टम तीर्थ चंद्र प्रभु भगवान एवं गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ब्रह्मचारी तात्या भैया और समस्त पदाधिकारी जो पद यात्रा से होकर आए। तालियां बजाकर अनुमोदना है, स्वागत है, उनका अभिनंदन है। आप आए आचार्य भगवान के श्री चरणों में शीतल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। और समाचार जगत परिवार जयपुर से उपस्थित है, उनसे भी निवेदन है, शैलेन भाई और कोठारी परिवार गोदा परिवार आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए दीप प्रज्वलन का संयुक्त सौभाग्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। चल चंद्रगिरी के धाम ले चंदा प्रभु का नाम, चल चंद्रगिरी के धाम ले चंदा प्रभु का नाम, बोला के सारी दुनिया ले ले चंदा बाबा नाम, हे चंद्रगिरी के भगवन मेरा जीवन तुझको अर्पण, हे चंद्रगिरी के भगवन मेरा जीवन तुझको अर्पण, चल चंद्रगिरी के धाम ले चंदा प्रभु का नाम, बोला के सारी दुनिया ले ले चंदा बाबा नाम, हे चंद्रगिरी के भगवन मेरा जीवन तुझको अर्पण, हे चंद्रगिरी के भगवन मेरा जीवन तुझको अर्पण। बोलिए अष्टम तीर्थ सिद्ध प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की, उपस्थित महानुभाव आचार्य भगवान के कर कमलों में प्रथम सांस भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं ब्रह्मचारी तात्या भैया जो 7 अक्टूबर से पद यात्रा लेकर पूरे साथियों पदाधिकारियों सभी श्रावक श्रेष्ठियों के साथ सिरपुर पार्श्वनाथ जैन से निकलकर छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी में पधारे हैं। आज 15 दिन की यात्रा और लगभग 500 किलोमीटर की यात्रा करते हुए तालियां बजाकर उनका अभिनंदन है, स्वागत है छत्तीसगढ़ के सिंधगिरी तीर्थ पर। बोलिए अष्टम तीर्थ सिंध प्रभु भगवान की। और मैं स्वर्गीय राजेंद्र जी गोदा, शैलेन जी, प्रियंका जी गोदा परिवार, भागचंद जी कोठारी परिवार, आशीष जी अनामिका, रुचिका कोठारी जयपुर, आपसे भी निवेदन करता हूं 3 व्यक्ति आ जाएं शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें शीघ्रता से। हाँ, शालिनी, शकुंतला, शांतिलाल, लव्यांश जी, राकेश जी, आप 2 व्यक्ति रामगंज मंडी से हैं, आप भी शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। और हाइको प्रतियोगिता जो www.vidyasagar.guru पर आयोजित है, दशहरे से शरद पूर्णिमा तक 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक सभी लोग जिसमें निःशुल्क हिस्सा ले सकते हैं। और आचार्य भगवान द्वारा रचित मूक माटी और महाकाव्य के साथ हाइको की पुस्तक और उसके साथ विद्याधर से विद्या तालियां बजाकर अनुमोदन कर दें। ज्योतिर्मय निर्गंध पुस्तक आकर्षक पेट मात्र 200 रुपए में उपलब्ध है। और हाइको प्रतियोगिता जिसमें देश से ही नहीं विदेश से भी लोग हिस्सा लेने लगे हैं, अंतरराष्ट्रीय हाइको प्रतियोगिता जिसके 108 पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा और पुरस्कार वितरण यही चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में 5 नवंबर दिन रविवार को दोपहर 1 बजे होगा। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें।
आप सभी से निवेदन, अनुमोदना 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 बारंबार, हे वंदना गुरु चरणों में बारंबार। पार्श्वनाथ भगवान के दरबार से पदयात्री शांति सद्भावना यात्रा के माध्यम से 7 अक्टूबर से निकलकर आज 25 अक्टूबर को 17-18 दिनों की यात्रा करते हुए लगभग 500 किलोमीटर आज भी तरोताजा दिख रहे हैं कि गुरुजी का आकर्षण उनके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहा है, दर्शन की खुशी नजर आ रही। तालियां बजाकर आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है अष्टम तीर्थ चंद्र प्रभु भगवान के दरबार में। हम सभी को पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर गढ़ा से उपस्थित हैं, आप भी आए आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। जहां पूज्य उद्योगमती माता जी का चातुर्मास चल रहा है गुरु चरणों में, आप भी नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। खुरई दिगंबर जैन समाज से आप पधारे हैं, आप भी आए आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। ब्रह्मचारी तात्या भैया, द्वारपाल भैया, अविनाश भैया, संजय भैया, ठेकेदार स्वागताध्यक्ष आदि सभी लोग पदमाले सांगली से पधारे हैं, आपसे भी निवेदन, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के निवेदन के लिए सांगली पदमाले से आप भी आचार्य भगवान के ससंग श्री चरणों में तालियां बजाकर अभिनंदन करना चाहिए, अनुमोदना करना चाहिए। अनुमोदना 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 बारंबार। वासिम, जहां पर पूज्य निर्यापक समण योग सागर जी महाराज विराजमान है, चातुर्मास चल रहा है, वहां से भी श्रेष्ठ जन पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। जहां खुरई में पूज्य निर्यापक समण समय सागर जी महाराज विराजमान है, चातुर्मास चल रहा है, आप भी आए आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ हाँ बैठ जाए। अब सभी हम चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन का सौभाग्य। तुम ध्यान मत दो, तुम यहाँ करो पूजन के बाद, पूजन के बाद। मुंबई में पूज्य अक्षय सागर जी महाराज जहां विराजमान है, भेंदर से समाज यहां पर उपस्थित है, आप भी आए श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अब ब्रह्मचारी तात्या भैया अपनी पद यात्रा के बारे में संक्षेप में बताते हैं, उसके साथ पूजन हम प्रारंभ करेंगे। जलो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान ने की, जलो चौबीसों भगवान ने की, जलो परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, जलो परम पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज जी की, समस्त आचार्य संघ की। आज यहाँ डोंगरगढ़ में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ शिरपुर जैन से, जहाँ पिछले साल आचार्य भगवान जी का चौमासा हुआ था, वहां से 525 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके ये सभी पदयात्री आए हैं। ये वैसे देखा जाए हाँ, यहाँ आज हमें डोंगरगढ़ में आए हैं, डोंगरगढ़ में इसके पहले भी हम पदयात्रा लेकर के आए थे। आज तक आचार्य भगवान की चरणों में लगातार 7 साल से यह पदयात्रा आ रही है, और 7 साल से लगातार यही भावना लेकर, हजारों किलोमीटर की पदयात्रा यही भावना लेकर आ रही है कि आचार्य भगवान जी एक बार आपका यार दक्षिण भारत की ओर हो जाए। पहली पदयात्रा 2012 में आचार्य भगवान जी विद्याधर की जन्मभूमि सदलगा से निकली थी और वो डोंगरगढ़ आई थी 22 नवंबर को, यहां 2012 में, और आगे सम्मेद शिखर जी तक ये पदयात्रा गई थी। ऐसे ये सले लगातार 7 साल पदयात्रा, इसमें 78-79 वर्ष के एक एक दादाजी उम्र है, जो 7 पदयात्रा में 1 इंच में भी कभी गाड़ी में बैठे नहीं, ऐसे पैदल यात्रा करके आए हैं। और भावना एक है, इस बार शिरपुर जैन से पदयात्रा निकलने की भावना यही है। पिछले साल आचार्य भगवान जी का चौमासा शिरपुर जैन में हो गया और हमारे अंतरिक्ष भगवान जो 42 साल ताले में बंद थे वो खुल गए, ताला खुल गया आचार्य भगवान जी का प्रभाव से।
आचार्य भगवान जी के तप से सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ा आचार्य भगवान जी आए हैं तो अब भगवान जी को मुक्त करना चाहिए, इसलिए भगवान जी ताले से मुक्त हो गए। लगातार 7 साल से यह पद यात्रा आ रही है और 7 साल से लगातार यही भावना लेकर हजारों किलोमीटर की पद यात्रा यही भावना लेकर आ रही है कि आचार्य भगवान जी एक बार आपका यार दक्षिण भारत की ओर हो जाए। पहली पदयात्रा 2012 में आचार्य भगवान जी विद्याधर की जन्मभूमि सदलगा से निकली थी और वो डोंगरगढ़ आई थी 22 नवंबर को यहाँ 2012 में और आगे सम्मेद शिखर जी तक ये पदयात्रा गई थी। ऐसे ये सलह लगातार 7 साल पदयात्रा इसमें 78-79 वर्ष के एक एक दादाजी उम्र है जो 7 पदयात्रा में 1 इंच में भी कभी गाड़ी में बैठे नहीं, ऐसे पैदल यात्रा करके आए हैं। और भावना एक है इस बार शिरपुर जैन से पदयात्रा निकलने की भावना यही है। पिछले साल आचार्य भगवान जी का चौमासा शिरपुर जैन में हो गया और हमारे अंतरिक्ष भगवान जो 42 साल ताले में बंद थे वो खुल गए, ताला खुल गया आचार्य भगवान जी का प्रभाव से, आचार्य भगवान जी के तप से सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ा आचार्य भगवान जी आए हैं तो अब भगवान जी को मुक्त करना चाहिए, इसलिए भगवान जी ताले से मुक्त हो गए। अब हमारी यही भावना है अगला और एक चौमासा आचार्य भगवान जी का शिरपुर जैन में हो जाए। और इसलिए चौमासा चाहिए, हमें ये चौमासा इसलिए चाहिए जैसे 42 साल के बाद ताले से मुक्त भगवान जी हो गए वैसे हमेशा हमेशा सरागता से मुक्त होकर 24 घंटे वितरागी भगवान रहने चाहिए अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान जी। और हमें पूरा विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है एक चौमासा के बाद 42 साल के बाद का ताला खुलता है तो आचार्य भगवान जी का और एक चौमासा ऐसे बिल्कुल सरागता से मुक्त होकर 24 घंटे वितरागी भगवान रहेंगे। इसीलिए हमारी बारंबार यही भावना है कि आचार्य भगवान जी का अगला चौमासा शिरपुर जैन में हो जाए और उसके बाद यहाँ अक्षय सागर महाराज जी का चौमासा बंबई में हो रहा है। हम हर साल महाराज जी के पास से निकलते हैं लेकिन इस पास शिरपुर से निकलने का हमारा औचित्य अलग था इसलिए शिरपुर से निकल गए। बंबई वालों की भी भावना है आचार्य भगवान जी का विहार बंबई के ओर हो जाए और पूरे दक्षिण भारत महाराष्ट्र और कर्नाटक के हर हर श्रावक की हर श्राविका की भावना है कि आचार्य भगवान जी का एक बार चरण दक्षिण भारत की ओर हो जाए। और इसी भावना से ये पैदल यात्रा लेकर हम हर साल आ रहे क्योंकि आचार्य भगवान जी आने वाले वो भी पैदल आने वाले हैं इसलिए हम पैदल आकर के हर साल यहाँ आचार्य भगवान जी के चरणों में ये भावना रख रहे हैं। और हमें मालूम है भगवान जी अपने भक्त की भावना पूरे करते हैं और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती इसलिए हमें विश्वास है आचार्य भगवान जी एक दिन दक्षिण भारत जरूर पधारेंगे। और सभी के ओर से पूरे दक्षिण भारत वासियों के ओर से और शिरपुर के आसपास के सभी श्रावक श्राविकाओं ओर से हम विनम्र आचार्य श्री के भगवान जी के चरणों में निवेदन करते आचार्य भगवान जी अगला चौमासा शिरपुर जैन में हो जाए और उसके बाद आपका पूरा विहार खड़े बाबा से यानी बड़े बाबा से खड़े बाबा तक श्रवण बेलवाला तक गोमटेश्वर तक हो जाए ये भावना रख करके हमारे भावना को विराम कर देते। स्वर्गीय राजेन गोदा जी के सुपुत्र शैलेन जी परिवार त्रिशला गोदा शैलेन गोदा प्रियंका निशान देविका विद्या गोदा परिवार समाचार जगत परिवार आपने जयपुर से आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाली त्रिकाल चौबीसी के एक भगवान को विराजमान करने हेतु शीशम की बेदी के लिए 5 लाख रुपए की स्वीकृति दी सभी के दान की अनुमोदना। और जितने लोग यहां पर उपस्थित हैं सब कहते हैं गुरुवर का चातुर्मास हमारे यहां होना चाहिए। सब तालियां बजा लिए सबके यहां होना चाहिए क्योंकि सब पर है वात्सल्य एक सा इस पावन अविनाशी का इसलिए दसों दिशाएं स्वागत करती युग के इस सन्यासी का। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती गुरुदेव की सूरत आओ बाबा पधारो बाबा आओ बाबा
आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या पर पड़ी स्वयं ही नव गाता। जय नागम का वह सदा कल जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय गली। 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्र अत्र अवतर अवतर संभो सट आवानन जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिम छुपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुषित होने आया हूँ, आना जाना मिट जा मेरा यह बंध काटने आया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल करे अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतल तापा ने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय संसार ताप विनाश नाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हित मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पाम। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय छुदा रोग विनाशनाय निवेदन निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की पाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम भीम सी 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अष्टकंधनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृ
श्रेष्ठा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना बाता है, भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूं, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूं, हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय साक्षात चंद्रगिरी में विराजमान, उनके पावन पुण्य चरणों में जय माला पूर्ण अर्घम निर्पामिति, नमोस्तु भगवन नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, इस साल कुछ ऐसी बातें व्यवहार में भले ही कहें फिर भी उसके पीछे कुछ निश्चय का पुट भी हो सकता है। व्यवहार अकेला कभी व्यवहार नहीं कहलाता है, किंतु व्यवहार तब होता है जब निश्चित हम कर लेते हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो उसका नवनीत का मान लो लक्ष्य लेकर के आपने ये कार्य प्रारंभ किया तो व्यवहार आएगा, मिट्टी ले आओ और दूध ले आओ और उसमें जामुन का पुट दो, फिर इसके उपरांत उसको दूध को जमाओ, अब नहीं तो पीछे रह जाओगे, फिर तो दही खाना पड़ेगा, दूध तो चला ही गया। जल्दी जल्दी करो और अपने दम को लगाओ, हाँपो नहीं, कुछ हाँपो, जब भागते समय हाँपी आ जाती है तो धीरे धीरे गति में थोड़े समय के लिए मंदी आती है, पुनः गति दिन दिगुनी, बोलो तो आवाज़ क्यों नहीं आ रही। आज यह सिरपुर से इन लोगों का भी संघ है, बहुत बड़ा संघ है, और ये 500-600 किलोमीटर से पैदल आए हैं, ऐसे रात में भी चले थे पदयात्री हैं, पदयात्री तो हैं लेकिन आजकल रात में भी चलते कई लोग, बहुत अच्छा है पैदल आए हो, और 7 साल से आ रहे हैं बताते हैं, और हम 50 साल से आ रहे हैं पैदल। बोले अब उतना तो हम छोड़ देते, अब आप ही बोलो भगवान कैसे नहीं मिलते, हम देखना है अपने को। हमें तो ये बताया गया है कि माता पिता रहते हैं तो संतान का पालन पोषण होता है। अब हमें पैदल यात्रा करने के लिए संकल्प दे देते हो जीवन पर्यंत, बल्कि यूं कहना चाहिए जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक तो अपने आप ही ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, और सब गतियाँ तो ठंडी पड़ जाएगी, एक समय में 7 राज्यों का गमन हो जाएगा।
संदेह न करो, वैपरीत्य को मत लानो, किंतु रात दिन वही एकमात्र धुन हो। चल करके आए हो, बहुत अच्छा किया। इसी प्रकार मैं चाहता हूँ इन लोगों की पैदल यात्रा हमेशा हमेशा के लिए हो। भगवान और क्या चाहते, ये जनसंघ नहीं है, ये जिनसंघ है, ध्यान रखो। तभी अवश्य एक प्रकार से रास्ता खुल जाता है। हम लोगों ने मुँह के और अंतराय कर्मों के ऐसे ताला लगा रखे हैं, अपने ही हाथ से लगाते ही जा रहे हैं और दूसरे आ जाए और खुल जाए। जैसे ही आपने ताला लगाया वैसे ही आपको खोलना पड़ेगा। और ये जब तक संकल्प पूर्ण नहीं होगा मन वचन काय से, मोक्ष मार्ग पर आप कदम रख नहीं सकोगे। ध्यान रखो, मोक्ष मार्ग को कोई भी ताला नहीं लगाया जाता है और वह रात दिन चलता रहता है। महाराज, रात दिन चलने की कैसी बात कर रहे हो आप? बिल्कुल, हमारा मार्ग चलना प्रारंभ हुआ है तो रात में भी नहीं रुका और दिन में भी नहीं रुका। वह साफ साफ रखा जाता है और उसके ऊपर विश्वास इसलिए है, जब दीक्षित हो गए उस दिन भगवान आपने तो दीक्षा दे दी और वो आप चले जाएंगे, कैसा होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। भारत लंबा चौड़ा है, भरत चक्रवर्ती ने पाला है इसको। और आज ऐसा युग है, आप लोग नए युग में आ गए हो, इंडिया चली गई, भारत लौट आ गया। अब आप लोग भारतीय कहलाएंगे, भूल करके भी इंडिया का नाम नहीं लेना। अब देखना है कि इस भारत में करोड़ों करोड़ों ऐसे विभूतियाँ साधना करके अनंत काल के लिए इनके ताला खुल गए हैं। उसी का अनुकरण यदि हम भी करेंगे, हमारे ताले तो चुटकी बजाते एक अंतर मुहूर्त में खुलेंगे, ध्यान रखो। हाँ, चाहे वो अलीगढ़ का भी क्यों ना ताला हो। उसको निश्चित रूप से खोलने की चाबी यहाँ मिल चुकी है, अब उसको लगाना है, सब लग जाएगा। वह निश्चित है कि व्यवहार ऐसा हम करें, निश्चय को तो सामने सामने आकर के स्वागत करना होगा। समुद्घाट किया जाता है लेकिन मूल शरीर मछंडीय कहा जाता है। अपने शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों को बाहर निकाल देते हैं। केवली भगवान भी अंतर मुहूर्त के लिए समुद्घाट कर लेते हैं और सारे के सारे पुराने जो ताले लगे हैं वह एक अंतर मुहूर्त में आयु कर्म के बराबर हो ही जाते हैं। वो कोई भी इसको रोक नहीं सकता और वो एक समय में छिड़ जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ऐसा यह मोक्ष मार्ग है, इसलिए इसमें और किसी ने ताला नहीं लगाया, किंतु वह ताला हमने लगाया
अनंत काल से उसको खोलने की बात नहीं की, किंतु वह तो जंग खाने के हो गया है। अब वह निश्चित रूप से तान अपने एक बार यूं कर दो तो पूरा का पूरा खुल जाएगा। उमा स्वामी महाराज और मानतुंग महाराज, देखो इनकी कथा और उनकी भक्तावर जी पढ़ो तो कैसे भिन्न भिन्न उन श्लोकों में वह मुक्ति की बात चलती रहती है। शरीर की ओर भी देखो तो वह शरीर भी चमत्कृत कर देता है सब लोगों को कि हमारा भी खाया पिया शरीर है, लेकिन हमेशा हमेशा रोता रहता है, भगवान आपने कौन सी डाइट दी, कौन सा ऐसा आहार दिया आपने। नहीं, हमने तो इस शरीर को डांटा है, इनको ज़्यादा नहीं देते, ज़्यादा देने से ही गड़बड़ होता है। वेतन देओ, बढ़ाओ, लेकिन इतना मत बढ़ाओ वह नींद लेने लग जाए। ध्यान रखो रात और दिन, इसलिए चिंता मत करो, चिंता मत करो, बाकी सब ठीक है, विश्वास है, लेकिन दीर्घ जीवन में कैसे कर काम करेंगे। तो सो माता पिताओं के माध्यम से संतान का पालन पोषण होता है, तो बड़े होने के उपरांत भी यह जीवन के अंतिम क्षण तक अष्ट प्रवचन मातृका हम लोगों के लिए मिल चुके हैं, एक के लिए सबके लिए। आठ माताएं रात दिन स्वयं नहीं सोती और आपको सुला करके असंख्यात गुणी निर्जरा भी कराती है, ये रुका हुआ नहीं है। यह एक प्रकार से हम लोगों का सौभाग्य है। उसी प्रकार अभी इधर से भी कई लोग 1500-4500 किलोमीटर तो होता ही होगा, इस ओर इंटीरियर में आने में बहुत सारे गाड़ी बदलनी पड़ती, अरे हमारी गाड़ी में बैठते सीधे आ जाते। सारे मार्ग यूं हो करके चलते, तो ऊपर के मार्ग तो अनुश्रेणी गति, कोई बनाने की आवश्यकता नहीं, न सीमेंट लगी है, न चूना लगा है, न ही ईंटें लगी है, न पत्थर लगा है, कोई भी नहीं, और किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं। दिशाओं का ज्ञान रहे, रात दिन एक घंटे में कितने 400-500 किलोमीटर तो मामूली चीज है। आप थक करके आ गए होंगे, ज़्यादा तो मैं भूलना नहीं चाहता, वो भी गाड़ियों से आ रहे हैं, ये पैदल से आए हैं, वो गाड़ियों में पेट्रोल डाल करके लिए आए हैं, कहाँ से आए तो उन्होंने पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि धूम धाम आनंद धाम। कहीं सुना आपने ऐसा नाम, हमेशा धूम धाम और आनंद धाम, ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा, कह रहे बहुत आनंद और आएगा, और अपने आप ही घर गृहस्थी धीरे धीरे वहाँ क्या पहुँच जाएंगे, कमजोर होती चली जाएगी, और मोक्ष मार्ग बढ़ता आगे बढ़ते जाए, बढ़ते ही रहे, ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और हमारे पास भी अपने स्वार्थ है, उस स्वार्थ को हम आप लोगों से क्या पूर्ण कर सकते, हम तो भगवान से ही पूछते हैं, वायदा किया आपने नहीं समझे, वायदा किया है आपने, एक बार संकल्प तो ले ले,
तो हम तो बिल्कुल संकल्पित है उस वायदा की तिथि को भी हम याद रखते हैं प्रभु, आपको भी याद रखना है और निश्चित रूप से जल्दी जल्दी वो साक्षात मोक्ष मार्ग मुक्ति तक जा करके रुके, यही भावना है। ये हाँ को हाँ कि अभी नहीं, हम तो इतना ही कह सकते हैं कि किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। यदि हम दृढ़ संकल्पित हैं, हमारा रात दिन ये काम होता रहेगा। मत जलाओ, विश्वास लौट आता है। क्या होगा था? व्यवहार से। हम ऐसा व्यवहार रखते हैं उसमें किसी को संदेह करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और आप शपथ मत लो, क्योंकि आप शपथ ले चुके हो, इसलिए रात दिन आप चलते रहेंगे। व्यवहार वह है, एक दिन निश्चित मुक्ति मिलेगी। इसलिए मत दिलाओ, विश्वास लौट आता है व्यवहार से। व्यवहार ऐसा बनाओ, निश्चय को तो आना ही पड़ेगा और वह स्वागतम करेगा। व्यवहार का ध्यान रखो, वहाँ पर मुक्ति लक्ष्मी भी खड़ी है और वह निश्चित है। यह उसी के लिए खड़ी है जिसके पास अष्ट प्रवचन मातृकाओं के द्वारा मोक्ष मार्ग रात दिन पल रहा है। ऐसे छाव में ही भगवान हमारा यह शेष जीवन संयम में बना रहे और आपको सानिध्य हमेशा हमेशा मिलता रहे। अहिंसा परमो धर्म। जा वाणी के ज्ञान दे सुझे लोका लोग, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोग। हे जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख। बोले द्वादश अंग जिन वाणी माता की। सभी महानुभाव से निवेदन, सबके बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं। जब गुरुवर चल रहे हो तो चलते में चरण छूने का प्रयास ना करें। हाइको प्रतियोगिता जो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है